Hello friends, welcome to Simmi's Educentre and this is Simmi here. Aaj hum class 10th chemistry ke new chapter that is chapter number 3 metals and non-metals ke baare mein padhenge. To metals ke baare mein aur non-metal ke baare mein hum detail se padhenge. Metals aur non-metals kitne kitne hain periodic table mein? Periodic table mein total 118 elements hain jinhe metals, non-metals aur metalloid mein baata gaya hai, theek hai? Usme se metals jo hai wo 92 hain. Non-metal है वो 20 है और metalloids जो है वो 6 हैं, ठीक है? Metals का example iron, aluminium, silver, copper ये सब metals का example है. Non-metals का example hydrogen, helium, sulfur, oxygen, nitrogen ये सब non-metals का example है, ठीक है? Metal, non-metal और metalloid ये periodic table में सारा वो सब चीज हम लोग next chapter में detailed में discuss करेंगे. हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे बाय कंपेयरिंग द टू. दोनों को कंपेयर करके हम मेटल को और नॉन मेटल को अच्छे से समझेंगे, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट है कि मेटल्स आर लस्टरस, दे हैव द प्रॉपर्टी टू शाइन. मेटल लस्टरस होता है, इट मींस चमकीला होता है वो, इस ये शाइन करता है, ठीक है? बट नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्टरस होता है, ये शाइन नहीं करता है, इसका सरफेस जो है वो शाइन नहीं करता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड आयोडीन. नॉन मेटल में ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट है कि मोस्टली मेटल्स जो है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं. सिर्फ मर्क्यूरी इसका एक एक्सेप्शनल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड है, लेकिन नॉन मेटल है वो सॉलिड और गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन. ब्रोमीन जो कि लिक्विड है, ठीक है? मेटल जनरली हार्ड होता है, ठीक है? इसमें एक्सेप्शन सॉलिड और सोडियम, लिथियम और पोटेशियम का है जो कि हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं. और नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, बट इसका एक्सेप्शन है कि वो डायमंड, कार्बन का जो फॉर्म है डायमंड, वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है हमारा, ठीक है? मतलब वर्ल्ड में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो डायमंड है, ठीक है? तो इट मींस मेटल हार्ड होता है और नॉन मेटल सॉफ्ट होता है. एक्सेप्शनल जो एक्सेप्शन दोनों का है वो आप हमेशा याद रखिएगा, ये 1 मार्क क्वेश्चन में हमसे हमेशा पूछा जाता है. नेक्स्ट इज डक्टिलिटी. मेटल में डक्टिलिटी होता है और नॉन मेटल में डक्टिलिटी नहीं होता है. डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब जो होता है कि ये हम किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे डक्टिलिटी कहते हैं. मेटल डक्टाइल है और नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है. जैसे कि गोल्ड, डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी गोल्ड में इतना ज्यादा है कि 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लेंथ तक के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? मेटल मेलिएबल होता है. मेलिएबल का मतलब कि उसे हम पीट पीट के, इट मीन्स हम उसे बीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें एक्सेप्शन मर्करी का है. बट नॉन मेटल जो है वो नॉन मेलिएबल है. मेटल डक्टाइल भी है, मेलिएबल भी है, बट नॉन मेटल नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल है. इट मीन्स कि मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को हम इन दोनों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. ये मेटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी और मेलियबिलिटी. नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इसमें एक्सेप्शन लीड और मर्करी का है. इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का जो गुड कंडक्टर है मेटल्स, बट नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इसका एग्जाम्पल एक्सेप्शन है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? मेटल्स का हाई डेंसिटी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है? लेकिन नॉन मेटल का लो डेंसिटी होता है एज कंपेयर टू मेटल, और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है. मेटल में एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम है जिसका डेंसिटी हाई नहीं होता है, और नॉन मेटल में एक्सेप्शन डायमंड का है. मेटल आर सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. सोनोरस का मतलब होता है कि अगर हम उसे बीट कर रहे हैं तो वो साउंड क्रिएट करे. जैसे कि हमारे स्कूल में घंटी होता है, वो मेटलिक पार्ट का बना होता है, उसे हम लकड़ी से या किसी भी पार्ट से उसे हम बीट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा साउंड निकालता है. बट नॉन मेटल ऐसा कुछ नहीं है, उसमें उसे कोई साउंड नहीं निकलता है. तो ये है हमारा कंपैरिजन बिटवीन द मेटल्स और नॉन मेटल्स, या डिफरेंस बोल सकते हैं, डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में. हमने पहले जो अभी पढ़ा वो था फिजिकल प्रॉपर्टी, इट मींस
कैसा दिखता है वो, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, ये सब हमने अभी देखा, ठीक है, डेंसिटी, ये सब सारा कुछ देखा। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। मेटल जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ हमेशा कंबाइन करेगा तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल देखते हैं कि जब कॉपर को एयर में हीट किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कॉपर टू ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का है। एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम MgO करेगा, कॉपर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ऐड करके अपने अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। मेटल का में हमने देखा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3, वो क्या हुआ, जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो Al2O3 का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब ऐसा मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करे, वैसा मेटल ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ या बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसका एग्जांपल है Al2O3। Al2O3 जो है वो HCl दैट इज एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और AlCl3 का फॉर्मेशन कर रहा है, और Al2O3 NaOH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है तो NaAlO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है कि Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इट मींस वो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट इज सोल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर में सोल्यूबल है कि नहीं है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो है वो सोल्यूबल नहीं होते हैं वाटर में, ठीक है, लेकिन कोई कोई मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व कर जाते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम का ऑक्साइड जो है Na2O और K2O, ये वाटर के साथ डिसॉल्व करके अल्कलीज का फॉर्मेशन करते हैं जैसे NaOH और KOH। नेक्स्ट है कि रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट विथ ऑक्सीजन। हर मेटल्स का रिएक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट है तो सबका रिएक्टिविटी अलग है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने का भी तरीका अलग अलग है। जैसे कि पहले सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, इट मीन्स एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनमें फायर आ जाता है, वो फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम कभी भी हम सोडियम पोटेशियम को ओपन एयर में नहीं रखते हैं, हम उसे हमेशा केरोसिन में ड्रिप करके रखते हैं। नेक्स्ट की मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सारे जो मेटल्स हैं इसमें जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा उसके सरफेस में, ठीक है, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट आयरन जो है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। जब हम हीट करेंगे आयरन को तो वो बर्न नहीं करेगा, बट आयरन फिलिंग जब बर्न होता है तो वो विगोरसली बर्न कर जाता है। कॉपर भी बर्न नहीं करेगा ऑक्सीजन में, हमने कॉपर का रिएक्शन तो अभी देखा ही कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कॉपर टू ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है तो वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर जो है, गोल्ड और सिल्वर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते।